अभी तक तो सर्वे, ग्राउंड सर्वे, ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, लेकिन अब तो आलम यह हो चुका है कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जिन्हें 35-35 सालों का अनुभव है, उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। दावे से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 372 तो दूर की बात है, 272 सीटें भी नहीं लाने वाली है, और जितनी सीटें लाने वाली है उतने में एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। तो क्या कहता है चौंकाने वाला लेटेस्ट सर्वे, और इस सर्वे रिपोर्ट को देखकर कैसे मोदी शाह भड़के हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बयान सुनाएंगे, लेटेस्ट रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, जिन्होंने राज्य दर राज्य जाकर खुद सर्वे किया है, उन्होंने क्या चौंकाने वाला आकलन पेश किया है, चौंकाने वाला बयान दिया है, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं, जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है, और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। तो सुना आपने, ये योगेंद्र यादव हैं। अगर कोई आकलन पेश कर देते हैं, कोई आंकड़ा पेश कर देते हैं, तो गोदी मीडिया भी चाहकर उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता है। उन्होंने खुद राज्य दर राज्य जाकर सर्वे किया है, आकलन किया है, और कहना है कि मेरा 35 साल का तजुर्बा बोलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं आने वाला है, और तो और एनडीए भी बहुमत से पीछे रहने वाली है, 272 सीटें भी नहीं आने वाली है। ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है योगेंद्र यादव की तरफ से किया गया है। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि सच्चाई ये है कि बीजेपी नहीं आने वाली है, और यही सच्चाई छुपाई जा रही है। आपको बता दें, सिर्फ बयान नहीं दिया है योगेंद्र यादव ने, जो राज्य दर राज्य जाकर सर्वे देख किया है उसको भी पेश किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 10-10 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर यह नुकसान 10 सीटों का है, और कहीं पर यह नुकसान 10 सीटों से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें भी नहीं आने वाली हैं, और ये लोग बहुमत से बहुत पीछे हैं। अगर पूरे के पूरे सर्वे की बात की जाए तो योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी को 233 और एनडीए को 268 सीटें आने वाली हैं। ऐसे हालातों में एनडीए का क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ योगेंद्र यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ओपिनियन पोल सर्वे, महासर्वे, सट्टा बाजार के सारे सर्वे मिलाकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, और इस लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें भी पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या कहता है ये लेटेस्ट सर्वे, देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एनडीए 195 और इंडिया 348 पर दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़े राज्य हैं उसमें आप देख भी सकते हैं कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जी जान लगा रखी है, वहां पर 48 में से इंडिया को 30 और बीजेपी को 18 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए, जहां को लेकर बीजेपी यह दावा कर रही है कि इस बार भी 25 में से 25 सीटें आने वाली हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 10, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि साफ साफ 10 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, यहां पर बीजेपी ने जान लगा रखी है। उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी की हालत खराब है, लगातार मोदी शाह दौरे पर दौरा कर रहे हैं, वहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और भयंकर नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया को 38 और बीजेपी को 42 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, और ये 38 इंडिया गठबंधन
गठबंधन की सीटें बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ कर सकती हैं। आगे देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से 3 इंडिया को और बीजेपी को 4 आती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में 10 में से इंडिया को 5 और बीजेपी को 5। और पंजाब की अगर बात की जाए तो कुल सीटें होती हैं 13, यहां पर इंडिया गठबंधन को 12 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। ये हाल हो चुका है एनडीए गठबंधन का। दावा तो किया गया कि अब की बार 400 पार, आप देख सकते हैं कि 200 पार करने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में मोदी शाह बौखला रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि मंच से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। तो सुना आपने, ये गृह मंत्री अमित शाह का दिया गया बयान है, पंजाब में खड़े होकर दिया है। पंजाब का आप सर्वे जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को 13 लोकसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। मंच से खड़े होकर अमित शाह का कहना है कि यहां पर इस चुनाव में सांसद जितवा दीजिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि भगवंत मान सरकार पंजाब में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव जीत गए तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। भरे मंच से खड़े होकर धमकी दे जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। तो सुना आपने, बिहार जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीती थी, इस बार 15 सीटों से ज्यादा का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि बिहार में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि तेजस्वी यादव के गिरफ्तार होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ कहते हैं कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र संस्था है और अगर ये स्वतंत्र संस्था है तो पीएम मोदी को कैसे पता चला कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे वो मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, खुद को एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लेटेस्ट रिपोर्ट की बौखलाहट है जो कि ये लोग चाह कर भी छुपा नहीं पा रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट हो, सर्वे हो, महासर्वे हो, ओपिनियन पोल हो, और जितने भी आंकलन हो, चुनावी विश्लेषक हो, 35-35 साल का तजुर्बा रखने वाले चुनावी विश्लेषक हो, हर किसी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट नहीं करने वाली है। ऐसे हालातों में बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, धमकी दी जा रही है, टेंशन दिखाई दे रही है और बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। और ये बौखलाहट क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जब आज तक जैसा चैनल भी ये खबरें चला दे कि बीजेपी के खिलाफ जनता में कुछ नाराजगी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर और योगेंद्र यादव के बयान पर और आकलन पर आपको क्या लगता है, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।